अगर आपके व्हीकल के ऊपर भी ये पुरानी नंबर प्लेट्स अभी भी लगी हुई है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बहुत ज्यादा चालान आपको भरना पड़ सकता है। 500 से 5000 रुपए तक का चालान आपको भरना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो पुरानी नंबर प्लेट्स है इनको कर दिया है बैन। मतलब 2019 से पहले अगर आपने कोई भी व्हीकल खरीदा है तो उसके ऊपर पुरानी वाली नंबर प्लेट आपने लगा रखी होगी, फैंसी भी हो सकती है, कुछ नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन वो सभी अभी बैन हो चुकी है। और अब आ चुकी है आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जी हाँ, 2019 से जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उन सभी के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लग रही है। तो अब आपके पुराने व्हीकल्स के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को ही मैंडेटरी कर दिया है, मतलब अनिवार्य कर दिया है। तो अब आपको आपके पुराने नंबर प्लेट्स को हटा के नई वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका चालान हो सकता है। और चालान जो रहेगा वो लगभग 500 से 5000 रुपए, अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैसा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है। आप नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कैसे लगा सकते हैं, उसका क्या चार्जेस रहेगा, और कैसे वो डिलीवरी होगी, कैसे आपको लगवानी है, और उसका क्या लास्ट डेट है लगवाने की, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो उसके बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी चीजें, क्योंकि मैं भी मेरा जो एक्टिवा है उसके लिए नई नंबर प्लेट बुक कर रहा हूँ, तो सोचा आपको भी पूरा वीडियो बना के सिखा दूँ किस तरीके से आप नया नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए, ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, सीधा मैं ले चलता हूँ आपको हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप नई नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अपने लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपके पुराने व्हीकल के लिए बुक करने बैठे, तब प्लीज आपके व्हीकल की आरसी बुक लेके बैठिए, या आरसी जो होती है वो लेके बैठिए, क्योंकि काफी सारी चीजें रहेगी जो आपको भरनी रहेगी फॉर्म में, और वो अगर आप नहीं लेके बैठेंगे तो बार बार आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। इससे अच्छा जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरत है वो प्लीज आप लेके बैठिए, एक आपका आधार कार्ड और एक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी आरसी वगैरह है, पुरानी वाले तो पहले पूरे पेज में आती थी तो, और आजकल तो छोटी सी आती है, तो जो भी आपके पास आरसी है जिसके लिए भी आपको नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चाहिए, वो आरसी बुक और आधार कार्ड लेके बैठिएगा। उसके बाद आप स्क्रीन पे अपना पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप तो देखिए, मैं आपको लेके आ चुका हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सिंपल सीधा गूगल के ऊपर गया, और मेरे को मुझे आपको सिर्फ सिंपल सा ट्राई करना है कि HSRP बुकिंग, ठीक है, आप सिंपल सा कुछ भी डाल सकते हैं, बुक HSRP या HSRP बुकिंग कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट आ रही है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बुक माई HSRP, तो एक वेबसाइट ये है और एक है ये सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये दो वेबसाइट है, इन दोनों जगह में आप कहीं पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए HSRP, मतलब आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को आप घर बैठे अपने घर पे मंगवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं अपने पुराने व्हीकल के लिए। और बहुत ईजी तरीका है, आपको किसी डीलर के पास नहीं जाना है, किसी भी RTO ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है, सारा काम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया, तो आप घर बैठे अपने लिए ये ऑर्डर बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरीके हैं, कुछ अभी स्टेट्स में आपके घर पे डिलीवर हो रहा है और डिलीवरी के टाइम पे ही वो आके डिलीवरी के साथ ही लगा भी जाएंगे, तो फिटमेंट भी कुछ कुछ जगह हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है। तो उन जगह आपको क्या करना पड़ेगा, उन जगह आपको डीलर के पास मंगवानी पड़ेगी। जब डीलर के पास आ जाएगी आपको एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उस टाइम स्लॉट पे आपको जाके अपना व्हीकल ले जाना पड़ेगा उस डीलर के पास, जहां जो भी डीलर हो सकता है, जरूरी नहीं है आपने जिससे खरीदा है वही डीलर हो, उस कंपनी का कोई भी डीलर अगर आपके आसपास एरिया में है तो आप वहां का एड्रेस दे सकते हैं, वहां पे मंगवा सकते हैं, और वहां पे जाके आपको वो लगवाना है अपनी व्हीकल। और एक चीज और बता दूं, ये नंबर प्लेट का कोई भी फिटिंग चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा आपको किसी को नहीं देना है, जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन जो पेमेंट, जो भी आपको मैं अभी पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ उस लिस्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, और वो पेमेंट में आपका फिटिंग शिपिंग सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ भी किसी भी डीलर को या कहीं पे भी पे नहीं करना है। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे आपको फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं बुकिंग का पूरा प्रोसेस। तो देखिए, मैं आपको सीधा लेके आ चुका हूँ हमारी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं जो जाऊँगा वो मैं जाऊँगा ये सेकेंड वाली जो वेबसाइट है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये गवर्नमेंट की ऑथराइज वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है सीधा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको दिख रहा है ऊपर बुक HSRP, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। वैसे तो डायरेक्टली इन्होंने HSRP का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही मेरे सामने दे दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है, मैंने अपना नाम डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, स्टेट डाल दी है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
ये मेरा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट हमारी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करना है और सीधा सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबमिट करते ही अब यहाँ पे आपके सामने ये जो खुल गया है ये है, देख सकते हैं सेलेक्ट योर व्हीकल टाइप, टू व्हीलर व्हीकल है तो मैंने वो टू व्हीलर ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया है। अब टू व्हीलर के जो भी ब्रांड्स अवेलेबल है उनका नाम यहाँ पे आ गया, तो आपको अपना ब्रांड का नेम सेलेक्ट करना है जिस भी ब्रांड का आपका व्हीकल है। अगर आपकी कार है तो कार का सेलेक्ट करना है, मेरा टू व्हीलर है तो मैंने टू व्हीलर का सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा एक्टिवा है होंडा का, तो होंडा को सेलेक्ट कर लिया है अपन ने। ऑर्डर योर HSRP नाउ के ऊपर अब आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट, तो ये स्टेट है अपनी राजस्थान जहां पे ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली है। फिटमेंट लोकेशन डीएल जो डीलर है उसके प्रीमिसेस में ही होगा, घर पे आपको डिलीवर नहीं होगा, हमारे राजस्थान में अभी घर पे डिलीवर नहीं हो रही है, या फिर फिटिंग भी घर पे डिलीवरी के टाइम पे होती है वो नहीं हो रही है। तो ऑर्डर टाइप आपको करना है, ओल्ड व्हीकल है अपना तो ओल्ड व्हीकल आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पे मेरा मैं डाल देता हूँ, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिर से डालना है, वो डाल दिया। इसका चेसिस नंबर आपको अब डालना पड़ेगा यहाँ पे, MEOJ5018072472। अब व्हीकल का इंजन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है, और इसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अगर आपका सारी डिटेल्स करेक्ट होगी तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपको आपकी सिटी पूछेगा कि कौन सी सिटी में आप हैं। तो आपको यहां से आपकी सिटी सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपके यहाँ पे जो आसपास जो भी आपका डीलर है इस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो इस पर्टिकुलर ब्रांड का जो भी डीलर है उसकी लिस्ट आपकी इस सिटी वाली आ जाएगी। तो उनमें से आपके पास का, जैसे हमारे पास तो एक ही डीलर है, अगर आपके यहाँ पे 5-7 डीलर है तो आपके घर के पास में जो भी आपका डीलर है वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी और डीलर के पास जाके या जिससे आपने खरीदा है उसी डीलर से लेना है, कोई भी इसमें जरूरी नहीं है, आप कोई भी डीलर का नाम इसमें लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है। अब यहाँ पे आपको ये टाइम स्लॉट पूछ रहा है कि आप कब जाके लगवा सकते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे अभी अप्रैल में है, 25 अप्रैल को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे डेट मिल रही है 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद की डेट ही मिल रही है मुझे, तो मैं 2 तारीख का ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट का स्लॉट मिलता है, जी हाँ, जो एक स्लॉट टाइम का एक 2 घंटे का स्लॉट रहता है वो आपको मिलेगा। और वो इसलिए गवर्नमेंट ने किया है कि अगर टाइम स्लॉट नहीं रखेंगे तो एक साथ काफी सारे लोग जा सकते हैं एक डीलर के पास, और वो उसका काम भी खराब होगा और वो काफी ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए आपको एक टाइम स्लॉट मिल रहा है, उस टाइम स्लॉट पे ही आपको जाके अपना ये फिटमेंट करवाना है। तो जैसे मैं 2 टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10:30 से 11:30 का सुबह सुबह का टाइम स्लॉट है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 घंटे का मेरे लिए ठीक रहेगा। ये मैंने टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा देख सकते हैं आप, मुझे 2 तारीख को 4 टाइम स्लॉट्स अलग अलग मिल रहे हैं, मुझे 11:30 से 12:30 का भी मिल रहा है, फिर 2:30 से 3:30 का भी मिल रहा है। तो आप अपने अपने टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल फिल करी है उसको आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं मेरा ये रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, कब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये स्कूटर है, व्हीकल टाइप कौन सा है वो सेलेक्ट करना है, व्हीकल क्लास कोई नॉन ट्रांसपेरेंट है, फ्यूल है, पेट्रोल है, भारत स्टेज 3, व्हीकल के ओनर नेम का बात की, यहाँ पे जो व्हीकल का जो ओनर का नेम है रजिस्ट्रेशन के अंदर वही आपको फिल करना है, आप कोई और नाम फिल नहीं करेंगे, वो फिल कर दिया। बिलिंग डेट, बिलिंग स्टेट जो है वो सेलेक्ट करनी है राजस्थान, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको आपका एड्रेस फिल करना है, ETC जो भी मेरा एड्रेस है वो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। आपको एड्रेस फिल करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर भी डालना है, मोबाइल नंबर, ये OTP वेरिफिकेशन के लिए है, तो सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी आपके फोन के ऊपर एक OTP आ जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पे फिल करना है।
बहुत इजी प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने इतना इजी बना रखा है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप है, आपको बस वो सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अभी आपको मैं वो चार्ट भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिस चार्ट में दिख रहा है कि आपका जो भी व्हीकल है उसका कितना कितना चार्जेस लग सकता है, कितना कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। जब तक ओटीपी आता है तब तक, क्योंकि ओटीपी आने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है समय लग रहा है, 2351। तो ये ओटीपी मैंने डाल दिया है, वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, और ये देख सकते हैं HSRP ऑनलाइन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे, अगर आप जो अभी देख रहे हैं वो है इसका फीसेस का पूरा चार्ट, कौन से व्हीकल के ऊपर कितनी फीस लग रही है वो सारा चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ में अब मैं आपको वो चार्ट ना वीडियो के थोड़ा सा एंड में दिखाऊंगा, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी आपका जो भी नंबर है वो नंबर प्लेट्स को चेंज कराने के लास्ट डेट क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा लेट बताता हूँ इस वीडियो के अंदर आगे। पहले एक बार अपन इस पूरे फॉर्म को भर लेते हैं और जो फीस है वो फीस पे कर देते हैं। देख सकते हैं आप, मेरे को जो मिली है ₹425 की मेरी फीस इन्होंने बताई है, जिसमें से आप देखेंगे तो जो ओल्ड व्हीकल की जो HSRP किट है इंक्लूजमेंट, इसका देख सकते हैं आप फिटमेंट और कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह सब मिला के ₹360 है, और इसके ऊपर 64.18% GST लग रहा है। तो टोटल अमाउंट ₹425 मेरे को पे करना है, इसके अलावा मुझे डीलर के यहाँ कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना है, तो केवल ₹425 आपको ऑनलाइन पे करने हैं। तो ये पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, और उसके बाद आपको क्या क्या सर्विसेज मिलनी बंद हो जाएगी वो भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे रखी कि यहाँ इस डेट तक आपको आपको ये अपना अपनी नई जो भी पुरानी व्हीकल है उसके ऊपर नई नंबर प्लेट लगानी है। अगर उस तारीख तक अगर आप ये नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं तो उसके बाद क्या आपको प्रॉब्लम आने वाली है, कौन कौन सी सर्विसेज, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज बंद कर दी है उसके लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सर्विसेज इसके बाद आपके लिए बंद कर दी जाएगी, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए इसका पेमेंट कर देते हैं एक बार। आप चाहे तो UPI से पे कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग कार्ड QR किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं UPI से ही पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है अपना UPI ID, आप यहाँ पे UPI वगैरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट QR कोड को स्कैन करके भी पे कर देते हैं, तो मैं QR कोड स्कैन करके पे करने की कोशिश करता हूँ। तो स्कैन करते ही मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो मैंने फीस बताई थी वो फीस इसके ऊपर लिखी हुई आ चुकी है, ₹425 मैं पे कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, यहाँ से पे करने के बाद वहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट होता है या नहीं होता है। तो देखिए मैंने जैसे ही यहाँ से पे किया है मेरे को यहाँ पे रिसिप्ट मिल गई है, मेरा पेमेंट हो चुका है और मेरी ये बुक हो चुकी है नई नंबर प्लेट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अब ये जो प्रिंट हियर का जो बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक करके ये आपकी जो रिसीप्ट मिली है इस रिसीप्ट को आपको प्रिंट कर लेना, तो इस रिसीप्ट को आपको प्रिंट करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप डीलर के यहाँ पे लेने जाएंगे या फिटमेंट करवाने जाएंगे तो ये रिसीप्ट आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी। तो गाइज ये देख सकते हैं मेरी ये रिसीप्ट मैंने प्रिंट कर ली है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तो अब आप स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि आप कोई भी व्हीकल, जो भी व्हीकल है उनकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो दी है वो आपके व्हीकल नंबर के जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसके हिसाब से इन्होंने लास्ट डेट डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने। मतलब अगर आपका लास्ट वाला नंबर 1 और 2 है, अगर आपका जैसे मेरा जो नंबर है गाड़ी का, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, जैसे मेरा 5186 है, तो अगर लास्ट में जैसे मेरे 6 आ रहा है तो वैसे ही अगर आपका 1 और 2 डिजिट लास्ट में आता है तो 29 फरवरी 2024 लास्ट डेट थी जो निकल चुकी है। तो अगर आपने नहीं करवाया है तो फटाफट से जाके बुक कर लीजिए, 5-7 दिन के अंदर आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी और फटाफट से चेंज करवा लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जी हाँ पॉइंट्स जो शायद अभी तक किसी ने कवर नहीं किए हैं। तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे व्हीकल्स भी होंगे जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि उसके पहले कई बार कई चीज़ें RTO के कुछ ऑफिसर जैसे कई बार कुछ व्हीकल्स के डेटा ऑनलाइन नहीं चढ़ते थे। तो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में आपके व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर वगैरह डालने के बाद भी आगे प्रोसेस नहीं होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि आपके व्हीकल का डेटा ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको उस केस में RTO जाना पड़ेगा और वहां जाके अपनी RC बुक दिखा के आपको ये बताना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये इशू था, मैं अपने लिए नई HSRP या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हो रही है क्योंकि आपने डेटा ऑनलाइन नहीं किया है। तो ये डेटा आपको सारा आपने व्हीकल का ऑनलाइन
ऑनलाइन चढ़वाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये बुक कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी कमी है, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है वो पुराने व्हीकल्स का जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं है। ज्यादातर तो आजकल ऑनलाइन मिल जाता है डेटा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनकेस ऐसा होता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब सेकंड चीज मैं जो बात कर रहा था कि कुछ सर्विसेज बंद कर दी जाएगी इस डेट के, जो लास्ट डेट आपको बताइए इसके बाद, उनमें से क्या हो सकती है कुछ सर्विसेज ऐसी है, जैसे आपको आरटीओ ट्रांसफर करना होता है, आपकी जो आरसी ट्रांसफर होती है, आपने किसी को व्हीकल भेज दिया और आप आरसी ट्रांसफर करना चाहते हैं वो नहीं होगी, अगर आपकी आरसी खो जाती है नई आरसी आपको बनवानी है नहीं बनेगी, अगर आपके व्हीकल का कुछ भी काम आरटीओ रिलेटेड आपको करना है वो सारी सर्विसेज अगर आपने इस लास्ट डेट के पहले नई वाली आपने अगर आपने नंबर प्लेट नहीं बनाई है तो आप ये सारी सर्विसेज द्वारा आरटीओ की तरफ से बंद कर दी जाएगी। ये एक इसका ड्रॉबैक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर अभी तक आपने अपने लिए नई वाली नंबर प्लेट बुक नहीं की है तो कर दीजिए, मैंने तो आपके सामने अभी कर दी है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी इंफॉर्मेशन वाली बढ़िया बढ़िया वीडियोज में आपके लिए लेके आता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।